जैसा कि आप सभी को पता है कि कुत्ता मनुष्य का पहला और सबसे वफादार दोस्त रहा है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे कुत्ते के बारे में दिखाएंगे जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने मालिक और देश की सेवा की है, जिसके लिए उन्हें कई मेडलों से सम्मानित किया जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रुद्रा इन्फो सेंट्रिक में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुनो वास्तव में एक बेल्जियन मेलिनोइस है और कुनो ने ब्रिटिश सेना के साथ एक सैन्य काम करने वाले कुत्ते के रूप में काम किया था। उन्हें नाटो के नेतृत्व वाले मिशन ऑपरेशन तोरल के हिस्से के रूप में 2019 में अफगानिस्तान में तैनात किया गया था। एक परिसर पर छापे के दौरान कुनो दुश्मन के लड़ाकों के साथ भीषण युद्ध में शामिल था। दुर्भाग्य से उन्हें गंभीर चोट लग गई, जिसमें कुनो के दोनों पैरों में गोली लगी थी। इसके बावजूद कुनो के साहसिक कार्यों ने उनके मानवीय साथियों की जान बचाई। कुनो के असाधारण बहादुरी और बलिदान की मान्यता से कुनो को डिकिन मेडल से सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर जानवरों के लिए विक्टोरिया क्रॉस कहा जाता है। केनाइन मैक्स। केनाइन मैक्स भी एक बेल्जियन मेलिनोइस है जो कि न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पुलिस के साथ ऑकलैंड में अपनी सेवा दे चुका है। केनाइन मैक्स की ड्यूटी संदिग्धों पर नजर रखना और उन्हें पकड़ना, नशीली पदार्थों और विस्फोटक उपकरणों का पता लगाना था। केनाइन मैक्स अपने असाधारण कौशल और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। केनाइन मैक्स कई मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे पुलिस की सहायता करने में, छिपे हुए वर्जित सामान का पता लगाने में और हवाई अड्डे के आसपास की सुरक्षा और सुरक्षा बनाए रखने में मदद की है। केनाइन मैक्स की असाधारण सेवा और बहादुरी के लिए इसे PDSA गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, जो कि जानवरों के लिए न्यूजीलैंड का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कायरो और काहिरा। अब बेल्जियन मेलिनोइस काहिरा एक हाईली ट्रेंड मिलिट्री डॉग है, जिसने कई मिशनों में अहम भूमिका निभाई है। आतंकवादी संगठन अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन जब पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा था, तब उसे मारने के लिए 2 मई 2011 को एक नेपच्यून स्पीयर नामक मिशन चलाया गया, जिसमें काहिरा शामिल था। तो आप समझ सकते हैं कि काहिरा क्या चीज़ है। काहिरा की गहरी समझ और फुर्ती उन्हें छिपे हुए खतरों का पता लगाने में एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया है। काहिरा को उनके योगदान के लिए पाकिस्तान केनल क्लब से बहादुरी का पदक मिला था। ट्रियो। ट्रियो एक ब्लैक लेब्राडोर को एक हथियार और विस्फोटक खोजी कुत्ते के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। नाटो के नेतृत्व वाले मिशन ऑपरेशन हेरिक के हिस्से के रूप में उन्हें अफगानिस्तान में तैनात किया गया था। ट्रियो की सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक फरवरी 2008 में जब वह और उसके हैंडलर साजिद डेव हेवो एक गोलीबारी में शामिल थे। दुश्मन की गोलीबारी के बावजूद ट्रियो अपनी कर्तव्यों पर केंद्रित बना रहा। कई IIED का पता लगाने के बाद सैनिकों को महत्वपूर्ण चेतावनी प्रदान की। ट्रियो इस लड़ाई के बाद अपने हैंडलर साजिद डेव हेवो के साथ एक प्यारे परिवार के पालतू जानवर के रूप में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। ट्रियो के कार्यों और समर्पण के लिए उन्हें सम्मानित डिकिन मेडल अर्जित किया गया, जिसे अक्सर जानवरों के लिए विक्टोरिया क्रॉस कहा जाता है। डिकिन मेडल उस जानवर को मिलता है जो संघर्ष के समय असाधारण बहादुरी और साहस का प्रदर्शन करते हैं। ट्रियो 2010 में इस पुरस्कार को प्राप्त किया। अपोलो। जर्मन शेफर्ड। वास्तव में न्यूयॉर्क शहर में 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों के हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर तैनात एक खोजी और बचाव कुत्ता था अपोलो। अपोलो ने अपने हैंडलर के साथ मलबे और मलबे के बीच जीवित लोगों की तलाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपोलो को भी उसके प्रयासों के लिए डिकिन मेडलों से सम्मानित किया गया। लुका। और जर्मन शेफर्ड। लुका सैन्य काम करने वाले कुत्ते के रूप में एक विशिष्ट कैरियर था, जिसे मुख्य रूप से इराक और अफगानिस्तान में तैनात किया गया था। लुका विस्फोटकों का पता लगाने में माहिर और अनगिनत मिशनों का हिस्सा था, जिसका मुख्य कर्तव्य सैन्य कर्मियों और नागरिकों के जीवन की रक्षा करना था। लुका अक्सर उच्च जोखिम वाले वातावरण में छिपे हुए विस्फोटकों का पता लगाने और अपने मानव सहकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जाना जाता है। 2012 में अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान उसने अपना अगला पैर खो दिया। लुका अपने साथी मरीनों की जान बचाने में सफल रहा। लुका के बलिदान और साहस ने उन्हें व्यापक मान्यता और प्रशंसा अर्जित की। लुका डिकिन मेडल सहित कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किया, जो UK में पशु बहादुरी के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है।
लुका इस सम्मान को प्राप्त करने वाला पहला यूएस मरीन कॉर्प्स कुत्ता बन गया था। नीमो। नीमो की कहानी वियतनाम युद्ध की है। नीमो एक जर्मन शेफर्ड था जिसने संघर्ष के दौरान यूएस एयरफोर्स के साथ संतरी और स्काउट कुत्ते के रूप में काम किया। नीमो की प्राथमिक भूमिका दुश्मन ताकतों का पता लगाना और सैनिकों को प्रारंभिक चेतावनी देने की थी। 4 दिसंबर 1966 को नीमो और उसके हैंडलर एयरमैन सेकेंड क्लास के रॉबर्ट ए थ्रोनबर्ग साइगान के पास टेनसोन नूत एयरबेस पर तैनात थे। दुश्मन सेना का सामना जब हुआ तब नीमो और थ्रोनबर्ग पेट्रोलिंग कर रहे थे। चेहरे पर गोली लगने के बावजूद नीमो साहस पूर्वक दुश्मन पर हमला किया जिससे थ्रोनबर्ग की जान बचाई गई। नीमो को बाद में इलाज के लिए लाया गया जिसमें नीमो को चोट अधिक लगने के कारण नीमो की एक आंख हटानी पड़ी। 1968 में नीमो को यूके में PDSA द्वारा पशु बहादुरी के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डिकिन मेडल से सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाला वियतनाम युद्ध का पहला और एकमात्र संतरी कुत्ता बन गया था। चिप्स। यह कोई खाने वाला चिप्स नहीं है। चिप्स एक मिश्रित नस्ल का कुत्ता था जिसे मुख्य रूप से जर्मन शेफर्ड कोली और साइबेरियन हस्की मिक्स माना जाता था। चिप्स वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान संयुक्त राष्ट्र सेना के लिए संतरी कुत्ते के रूप में काम किया। चिप्स का सबसे उल्लेखनीय योगदान 1943 में सिसिली पर आक्रमण के दौरान आया। चिप्स और उसके हैंडलर समुद्र तट पर लैंडिंग का हिस्सा थे। जैसे ही सैनिक समुद्र तट पर उतरे उन्हें दुश्मन सेना से भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उनके कार्यों ने कई लोगों की जान बचाई और दुश्मन की स्थिति पर सफलतापूर्वक कब्जा करने में सक्षम हुए। यूरोप के कई अभियानों में चिप्स ने अपनी सेवा दी थी जिसके लिए चिप्स को शुरू में विशिष्ट सेवा क्रॉस, सिल्वर स्टार और पर्पल हार्ट से सम्मानित किया गया था। साजेट स्टबी। यह एक प्रसिद्ध कुत्ता अत्यधिक सजाया हुआ युद्ध कुत्ता है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेवा की थी। स्टबी एक आवारा बुल टेरियर मिक्स था। स्टबी को प्रथम विश्व युद्ध की अग्रिम पंक्तियों में रेजिमेंट के साथ जाने की अनुमति दी गई। युद्ध के दौरान स्टबी ने 17 लड़ाइयों और 4 आक्रमणों में भाग लिया। स्टबी की सुनने और सूंघने की गहरी समझ ने उन्हें आने वाले तूफानों के गोले और गैस हमलों के बारे में सैनिकों को चेतावनी देने में मदद की। स्टबी घायल सैनिकों को भी पहचान लेता था। स्टबी के उल्लेखनीय सेवा के कारण 102 इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडर द्वारा स्टबी को साजेट के पद पर पदोन्नत किया गया। यह प्रथम युद्ध का सबसे सुशोभित कुत्ता बन गया था। घायल होने के कारण पर्पल हार्ट से कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब स्टबी एक सेलिब्रिटी बन चुका था और संयुक्त राष्ट्र भर में दौरे पर निकल गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।